नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे और सुरेन हिंदी क्लास के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है जिससे आप जुड़ सकते हैं। हिंदी उपन्यास में सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो है वो पढ़ेंगे और ये 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जो है इसका काल रहा है। 1918 ईस्वी तक प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास जो है वो माने जाते हैं। इसमें 88 लिखा हुआ है, ये 1918 है। 1877 से और कुछ किताबों में 1882 से भी जो है वो माना जाता है। प्रारंभिक हिंदी उपन्यास को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं, तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सामाजिक उपन्यास लिखे, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और घटना प्रधान अय्यारी तिलस्मी जासूसी उपन्यास जो हैं उनको घटना प्रधान उपन्यास कहते हैं। जासूसी उपन्यास हैं, तिलस्मी या अय्यारी से संबंधित जो जादुई उपन्यास हैं वो घटना प्रधान उपन्यास हैं। इनको पहले कैसे भी रख सकते हैं, पहले घटना प्रधान को रख सकते हैं ऐतिहासिक, यानी तीन वर्गों में ये उपन्यास है। तीनों वर्गों में कौन कौन से उपन्यास लिखे गए वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले सामाजिक उपन्यासकार एवं उपन्यास, ये हम पढ़ेंगे कि भाई पहला वर्ग है सामाजिक उपन्यासकार एवं उपन्यास, कौन कौन से सामाजिक उपन्यास लिखे गए। एक नंबर पर सरधाराम फुलौरी हैं। सरधाराम फुलौरी जो हैं ये 1837 से 1881 तक जो है वो इनका जीवन काल है। इन्होंने एक ही उपन्यास भाग्यवती लिखा जो 1877 लिखा है और इसी से मान करके 1877 से 1918 तक जो है वो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का काल माना है। तो 1877 में भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है सरधाराम फुलौरी का। लाला श्री निवास दास का 1851 से 1987 तक का काल है और इनके द्वारा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को हिंदी का पहला प्रथम उपन्यास भी माना जाता है और इसमें दिल्ली के एक कल्पित रहीश मदन मोहन का चित्रण किया गया है। ये इसमें ध्यान रखना है, परीक्षा गुरु 1882 रचना काल है इसका और हिंदी का पहला उपन्यास इसी को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है और अंग्रेजी ढंग में लिखा हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और इसमें एक कल्पित यानी काल्पनिक पात्र है रहीश लाला मदन मोहन का इसमें चित्रण है। श्री बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी के बहुत अच्छे उपन्यासकार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं और 1844 से 1914 तक इनका काल रहा है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में प्रकाशित है और इसमें महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक का चित्रण है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान 1892 में प्रकाशित, इसमें रिद्धिनाथ और निधिनाथ नामक दो बालकों का विलासी जीवन चित्रित है, यानी 100 अजान 1 सुजान में। और इनका तीसरा उपन्यास है रहस्य कथा, इनका तीसरा ये जो उपन्यास है ये अपूर्ण उपन्यास भी माना जाता है। यानी बालकृष्ण भट्ट के तीन उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान और रहस्य कथा। रहस्य कथा को अपूर्ण माना जाता है और नूतन ब्रह्मचारी में विनायक का चित्रण है और जो दूसरा 100 अजान 1 सुजान है उसके अंदर रिधिनाथ और निधिनाथ का जीवन चित्रण है। चौथा है ठाकुर जगमोहन सिंह, 1847 से 1899 तक का जीवन काल है। श्यामा स्वपन 1888 में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें श्यामा और श्याम सुंदर की प्रणय कथा का काल्पनिक चित्र है, यानी श्यामा और श्याम सुंदर की प्रेम कथा का काल्पनिक चित्रण है श्यामा स्वपन 1888 में। चौथा पांचवा है श्री राधा कृष्ण दास, 1865 से लेकर 1907 तक इनका जीवन काल है। इन्होंने निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में प्रकाशित है ये उपन्यास, निसहाय हिंदू और गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर ये उपन्यास लिखा गया। यह हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित उपन्यास है। छठा उपन्यासकार हैं पंडित लज्जाराम मेहता जो है ये 1863 से 1931 तक इनका जीवन काल है और इनके उपन्यासों के प्रश्न भी आते हैं। ऊपर जितने उपन्यास आए हैं इनके प्रश्न, सब के प्रश्न जो है वो आए हुए हैं
और इनके उपन्यासों के प्रश्न भी आते हैं, जिसमें धूर्त रसिक लाल है 1889 में, जिसमें रसिक लाल और सोहन लाल की कहानी है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में प्रकाशित, रमा और लक्ष्मी दो सगी बहनों की कहानी है। आदर्श दंपति 1904 में प्रकाशित है। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907 में प्रकाशित है, जिसमें वन माली बाबू और सुखदेवी का वर्णन है। आदर्श हिंदू 1914 में प्रकाशित है, इसमें प्रियानाथ और कांतानाथ की कहानी है। तो प्रियानाथ का संबंध प्रियंवदा से है और कांतानाथ का सुखदा से है। इसमें इनकी जो है वो कहानी जो है वो इसमें दिखा रखी है। सातवें उपन्यासकार हैं सामाजिक सुधार किशोरीलाल गोस्वामी। ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने खूब लिखे हैं, लेकिन इनके सामाजिक सुधार से संबंधित भी उपन्यास हैं, यानी सामाजिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। 1865 से 1931 इनका जीवनकाल है इनका भी। और त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890 में है, जिसमें मनोहर दास पात्र है, जिसकी कहानी का वर्णन है। अब देखिए इस इनके जो उपन्यास हैं उनकी ये विशेषता है कि उसके दो दो नाम मिलते हैं, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, तो लीलावती व आदर्शवती। तो इसमें लीलावती अकेला नाम भी आ सकता है कि लीलावती के लेखक कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी। और यूजीसी नेट में तो बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है लीलावती का, तो लीलावती व आदर्शवती, आदर्शवती भी इसका नाम आ सकता है, लेकिन प्रारंभ में जो नाम है वो अकेला नाम भी इसमें आ सकता है। तो ये 1901 में प्रकाशित लीलावती व कलावती की कहानी इसमें चित्रित है। तीसरा है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 में प्रकाशित, बिहार के जमींदार करण सिंह की बेटी कुसुम का वर्णन है। चौथा है राजकुमारी 1902 में प्रकाशित, जिसमें सुकुमारी की कहानी है। पांचवा है चपला व नव्य समाज 1903 में प्रकाशित, राधा किशोर की कहानी है। छठा है पुनर्जन्म व सोतियादाह 1907 में प्रकाशित, अयोध्या के जमींदार सज्जन सिंह की कहानी है। अब देखिए सातवें में माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 में प्रकाशित, नायक माधव और नायिका माधवी है। और अंगूठी का नगीना 1918 में प्रकाशित, मदन मोहन और लक्ष्मी के प्रेम की कहानी है। ये इनके जो उपन्यास हैं ये सामाजिक उपन्यास हैं। आठवां है अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 से लेकर 1941 तक इनका जीवनकाल है। और ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला नाम भी इसका मिलता है। बाकी अकेले का प्रश्न खूब आया हुआ है, ठेठ हिंदी के ठाठ का प्रश्न खूब आया हुआ है। ये 1899 में प्रकाशित अनमेल विवाह का वर्णन इस उपन्यास के अंदर है। ठेठ हिंदी का ठाठ है ये भी ठाठ है। अध खिला फूल 1907 में प्रकाशित है, और इसमें धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। और वेनिस का बांका इनका तीसरा उपन्यास है, वेनिस का बांका, वो उसमें कुछ किताबों में वेनिस का फूल भी लिखा हुआ है, लेकिन वेनिस का बांका इनका उपन्यास है। मेरी लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में लगभग 13,000 किताबें हैं, उनमें वो किताब उपलब्ध है, वेनिस का बांका लिखा हुआ उस पर, जो इनका एक उपन्यास माना जाता है। ब्रजनंदन सहाय का ने दो सामाजिक उपन्यास लिखे हैं, जिसमें एक है सौंदर्योपासक 1912 में प्रकाशित। इसमें नायक अपनी साली से प्रेम करता है, साली भी उसे चाहती है, यह बात पत्नी को ज्ञात होने पर वह दुखी रहने लगती है, अंत में मर जाती है। साली भी यक्षमा रोग से पीड़ित होकर मर जाती है। बेचारा सौंदर्योपासक विरह संतप्त होकर दुखी जीवन जीता है, ये इसकी कहानी है, यानी सौंदर्योपासक अंत में दुखी जीवन ही जीता है। दूसरा इनका अन्य उपन्यास यानी दूसरा उपन्यास है राधाकांत, जो 1918 में प्रकाशित है। राधाकांत में आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक उपन्यास है, और यह दो खंडों में है। इसके प्रथम खंड में राधाकांत ने और द्वितीय खंड में हरेंद्र ने अपनी आत्मकथा कही है, यानी ये उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। सौंदर्योपासक का प्रश्न जो है वो आया हुआ है। मनन द्विवेदी 1884 से 1921 तक जीवनकाल है। रामलाल 1917 में और कल्याणी 1920 में दो उपन्यास इनके प्रकाशित हैं, और दोनों ही सामाजिक उपन्यास हैं। और 11वें उपन्यासकार हैं पंडित देवी प्रसाद शर्मा। पंडित देवी प्रसाद शर्मा जो है इनका एक उपन्यास है सुंदर सरोजनी 1800, ये शायद गलत हो सकता है ये सब इसमें, तो सुंदर सरोजनी जो है ये सामाजिक उपन्यास जो है वो इसमें है।
ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार। ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार ये प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में ही शामिल है, दूसरा इसका भाग है। पहले समाज सुधारक सामाजिक उपन्यास हैं, दूसरे ऐतिहासिक और तीसरे घटना प्रधान। तो किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं इनके सामाजिक उपन्यास हमने पढ़ लिए हैं, और ऐतिहासिक उपन्यासों के अंदर पहला है कि तारा व छात्र कुल कमलिनी, ये 1902 में प्रकाशित। इसमें जोधपुर के महाराज गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कहानी है। दूसरा है कनक कुसुम व मस्तानी, 1903 में प्रकाशित। इसमें निजाम की भोग्या एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रेम की कहानी है। तीसरा उपन्यास है सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, 1904 में प्रकाशित है। और इसमें सुल्ताना रजिया जिसका काल 1236 से 1240 रहा हुआ है, और उनके प्रेमी हबशी याकूत की प्रेम कथा इसमें है। चौथा है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, 1904 में प्रकाशित है। इसमें नरेंद्र सिंह और कुसुम कुमारी की प्रेम कहानी है। लवंग लता व आदर्श बाला 1904 में है। ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट में और पूछा भी जाता है, ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास में आता है इनका, ये किशोरी लाल गोस्वामी का लवंग लता उपन्यास किसका है। लवंग लता व आदर्श बाला 1904 में प्रकाशित है, और इसमें सिराजुद्दौला का वर्णन है जिसमें राजकुमारी लवंग लता को कैद किया था। तो इसमें लवंग लता जो है वो राजकुमारी का नाम है, यानी नायिका हो गई इसकी। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी 1905 में प्रकाशित है। गयासुद्दीन बलबन जो है वो उसका वर्णन इसमें है। सोना और सुगंध व पन्नाबाई 1909 में प्रकाशित है, जिसमें पन्ना और माणिक के प्रेम की कथा है। और आठवां उपन्यास है गुलबहार व आदर्श मात्र स्नेह 1916 में, इसमें मीर कासिम की पुत्री गुल और पुत्र बहार की करुण कहानी है। गंगा प्रसाद गुप्त एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं इस काल में। नूर जहाँ 1902 में, वीर पत्नी 1903 में और हमीर 1903 में, तीन उपन्यास इनके मिलते हैं जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं। जयराम दास गुप्त ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, और इनके इस काल में छः उपन्यास मिलते हैं। काश्मीर पतन 1907 में, रंग में भंग 1907 में, माया रानी 1908 में, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909 में, कलावती 1909 में और मलका चांद बीबी 1909 में। अब ये ध्यान रखना है 1907 में रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह भी है और इनका उपन्यास है। ब्रज सहाय नंदन का लालचिन और मिश्र बंधुओं का वीरमणि, अब इसमें मिश्र बंधुओं का जो वीरमणि है इसका प्रश्न आया हुआ है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है वीरमणि, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा हुआ। और ब्रज सहाय नंदन का लालचिन उपन्यास का प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। तीसरी कोटि के उपन्यास हैं वो है घटनात्मक उपन्यास, यानी घटना प्रधान उपन्यास, तिलिस्मी अय्यारी या जासूसी उपन्यास जिनको कहा जाता है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री को माना जाता है, जिनका जीवन काल 1861 से लेकर 1913 ईस्वी तक रहा है। और इनके प्रमुख उपन्यासों में चंद्रकांता माना जाता है। चंद्रकांता 1888 में लिखा गया। इसमें विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। और दूसरा है चंद्रकांता संतति, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध है, 24 भाग हैं इसके। चंद्रकांता संतति जो धारावाहिक आता था चंद्रकांता, वो इसी उपन्यास के ऊपर आधारित था, चंद्रकांता संतति के ऊपर। जब ये कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो वो ये ही चंद्रकांता संतति है जिसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखी गई। चंद्रकांता संतति 24 भाग हैं, 1896 इसका रचनाकाल माना जाता है। और इसमें चंद्रकांता के दो पुत्रों की कहानी वर्णित है। तीसरा है नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में, इसमें राजकुमार नरेंद्र पर एक साथ दो राजकुमारियां आसक्त तो होती हैं, जिनमें एक कुटिल और दूसरी मोहिनी अनुरागिनी है। दो भाग हैं इसके। और वीरेंद्र वीर 1895 में प्रकाशित है। कुसुम कुमारी 1899 में प्रकाशित है, जिसके चार भाग मिलते हैं। और भूतनाथ अपूर्ण जो है उपन्यास इनका माना जाता है। दूसरे उपन्यासकार हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को पूर्ण किया, और रोहतास मठ शीर्षक से एक तिलस्मी उपन्यास लिखा।
यानी दुर्गा प्रसाद खत्री देवकीनंदन खत्री के बेटे हैं, जिन्होंने उनके उपन्यास भूतनाथ को ही पूर्ण किया और उसके बाद में रोहतास मठ शीर्षक से एक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास इन्होंने लिखा है। किशोरीलाल गोस्वामी का तिलिस्मी शीश महल 1905 में इसी परंपरा का एक उपन्यास है। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के जनक हैं और इनके उपन्यासों में देखिए अद्भुत लास 1896 में और बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में, खूनी कौन 1900 ईस्वी में, सरकटी लाश 1900 ईस्वी में, बेगुनाह का खून 1900 ईस्वी में, डबल जासूस 1900 ईस्वी में, जासूसी 1904 में, डाके पर डाका 1904 में, इंद्रजालिक जासूस 1910 में प्रकाशित है और जासूस की अय्यारी 1914 में प्रकाशित है। यानी ये जो हैं ये इनके चार उपन्यास घटना प्रधान उपन्यासकारों में माने जाते हैं। चार उपन्यासकार हम फिर मिलेंगे इसके आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।